नमस्कार दोस्तों, आज हम ये लोकल बोर्ड लगा हुआ ये टीवी का प्रॉब्लम देखेंगे। ये पूरा डेड है और मैंने ओपन कर लिया हूँ और आप देख सकते हो ये जो लाइन फिल्टर कोयल है ये जला हुआ है। और फ्यूज को थोड़ा देख लेते हैं, फ्यूज देखिए, फ्यूज ओके बता रहा है। तो इस फ्यूज इसलिए नहीं गया है ताकि लाइन फिल्टर कोयल जल गया है, ठीक है। और क्या क्या शॉर्टिंग है देख लेते हैं। तो मीटर में देखिए, मैं पहले फ्रिज रेक्टिफायर का डायोड को चेक कर लेता हूं। आप मीटर में देखिए, ये डायोड ठीक है। दूसरा डायोड शॉर्ट बता रहा है, ये डायोड भी सही बता रहा है, ये डायोड भी सही बता रहा है। एक डायोड शॉर्ट है, लाइन फिल्टर कॉइल भी गया हुआ है। फिर ऊपर हम लोग देखेंगे स्विचिंग ट्रांजिस्टर। मीटर में देखिए आप लोग, तो स्विचिंग ट्रांजिस्टर खराब है। तो हम लोग ये तीनों सामान को बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक डाइट को भी निकालते हैं। आई आवला तारा जाली किया के आमे
देख रहे हो लाइन फिल्टर कॉइल ना जल गया है। डाइट निकल दिया। अब डाइट को फिर से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इधर भी शो कर रहा है और उस साइड भी शो कर रहा है, ये शॉर्ट है। ठीक है, इसको बाहर से फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पूरा शॉट बता रहा है। तो हम लोग इतना न्यू डालेंगे, तो चलिए ये दूसरा नया वाला है, 1802 नंबर का है, इसको हम लोग डालते हैं। Thank you.
क्या इधर सप्लाई की ना कर आएगा ठीक है। इसको नया डाल दिया, अब एक डाइट डाल देंगे जो कि ये डाइट में डालूंगा, आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाल लूंगा। अब ठीक से सोल्डिंग कर लेंगे, ये डाइड है। ठीक से सोल्डरिंग हो गया है, अब मैं लाइन फिल्टर की जगह में पतला सा तार यूज करूंगा।
ठीक है, मैं दोनों तार को जोड़ दिया हूँ। चलिए अब शॉर्टिंग देख लेते हैं। देखिए मेन कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि फ्यूज को निकाल लेता हूँ। फ्यूज की जगह मैं सीरीज बल्ब यूज करूंगा ताकि कोई शॉर्टिंग रहेगा तो नुकसान ना हो। तो हो गया है। चलिए अब सप्लाई देके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कहीं पे ऑफसेटिंग है या ठीक है। पावर सप्लाई ओके हो गया है कि क्या है देख लेते हैं। मैंने एक कोड को ग्राउंड में दे दिया हूँ। देखिए पावर सप्लाई पूरा ओके वोल्ट बता रहा है, 122 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं ट्यूनर पे 5 वोल्ट पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग अभी सीरीज वोल्ट निकाल देंगे और उसके बाद टीवी को ऑन करके देखेंगे। ठीक है, सीरीज वोल्ट निकाल दिया। अब उसके जगह पे उसका फ्यूज जो है उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, पूरा कनेक्शन दे दिया हूँ। अब पूरा फिटिंग हो गया। अब टीवी चालू करके अब स्क्रीन पे जाके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे ठीक है टीवी चालू हो गया है।
परफेक्ट। तो जो पावर सप्लाई हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।